इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट चखराना, शिक्षा स्वास्थ्य समाज सेवा स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर, सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। इंदू हॉस्पिटल नीमराणा राज क्षेत्र का अत्याधुनिक 60 बेडेड और NABH मान्यता प्राप्त डॉक्टर इंदू यादव स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अशोक यादव पूर्व सर्जन SMH जयपुर और जाने माने डॉक्टर आवेश बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ। इंदू हॉस्पिटल में डिजिटल एक्सरे, फार्मेसी, पैथोलैब, ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाएं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, अमूल डेयरी बेनिफिशियरी और सभी प्रमुख TPA सुविधा द्वारा निशुल्क उपचार उपलब्ध। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं RAT24। भाजपा प्रदेश सह संयोजक प्रशिक्षण महिला मोर्चा की डॉक्टर शानू राजकुमार यादव ने बहरुड़ शेरपुर महाराजावास गंडाला गांव में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 8 साल के कार्यकाल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों के बारे में आम जन से विस्तृत चर्चा की। उन्होंने आने वाले समय में होने वाले विकास कार्यों पर भी विचार विमर्श किया। ग्रामीण क्षेत्र में उपस्थित लोगों ने मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल की प्रशंसा भी की। इस दौरान मुकेश, पवन, शिवम, अभिमन्यु, विवेक सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के तहत GPS स्कूल भगवाड़ी में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महाराणा प्रताप ट्रेनिंग सेंटर अनंतपुरा के सहयोग से 600 पौधों का वितरण किया गया। स्कूल प्राचार्य योगी शर्मा ने बताया कि पौधे विद्यालय के बच्चों को बांटे गए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वरिष्ठ कमांडेंट MK वर्मा रहे। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि 15 अगस्त को अपने घरों पर तिरंगा लहराएं और आज़ादी महोत्सव के तहत अधिक से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लें। संस्था चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव ने मुख्य अतिथि का माल्यार्पण और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। इस मौके पर इंस्पेक्टर योगेंद्र सिंह, MR रावत, मनोज, अंजू सहित अनेक गणमान्य लोग और स्टाफ मौजूद रहा। नारनौल में कल 45 मिनट तक जमकर बारिश आई, जिसके कारण शहर के निचले इलाकों में जल भराव हो गया। शहर के लोगों ने बताया कि इस सावन की सबसे तेज बारिश देखने को मिली। शहर में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण बाजारों और कई मोहल्लों के साथ साथ दुकानों और मकानों में पानी घुस गया। बीकानेर मिष्ठान भंडार लाया है स्वादिष्ट मिठाइयों की भरमार, वाजिब दाम, बढ़िया क्वालिटी का वायदा। तीज और सिंजारे के अवसर पर अपने परिवार व रिश्तेदारों के लिए ले जाएं मावा और दूध से बने शुद्ध देसी घी के घेवर और फीणी, केसर व गुलाब फ्लेवर में उपलब्ध, एक से बढ़कर एक क्वालिटी। शुद्ध खाएं, ताजा खाएं, स्वस्थ रहें। मिठाइयों की दुनिया में बहरोड में एक ही नाम, बीकानेर मिष्ठान भंडार। संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव को पेंशनर समाज शाखा अलवर के उपाध्यक्ष और संयोजक सूरजभान मेहरा के द्वारा प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट ने राठ क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और कोरोना काल में आमजन के हित में उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य किए। वहीं ट्रस्ट ने असहाय बेटियों की शादी में आर्थिक सहयोग के साथ साथ सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ के लिए जरूरतमंद लोगों को जागरूक करने में भी तत्पर रहा। ट्रस्ट के इन विशेष योगदान को देखते हुए सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव का सम्मान किया गया। इस मौके पर हकीकत यादव, विवेक, वीरेंद्र, मुकेश प्रिंसिपल, विपिन, भूपेंद्र यादव, अभिमन्यु यादव सहित अनेक लोग मौजूद रहे। बहरोड प्रधान सरोज बस्तीराम यादव को ग्राम विकास अधिकारी संघ के सदस्यों ने 4 अगस्त को राजकीय काम नहीं करने का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि पंचायत राज्य मंत्री द्वारा जो समझौता हुआ था, राज्य सरकार ने अभी तक उसे लागू नहीं किया, जिसको देखते हुए प्रदेश स्तरीय ग्राम विकास अधिकारी संघ के निर्देश पर 4 अगस्त से असहयोग आंदोलन शुरू करने का आह्वान किया। प्रधान को ज्ञापन देते समय अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव और सभी ग्राम सहायक अधिकारी मौजूद रहे। राठ इंटरनेशनल स्कूल भैरव को हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आयोजित श्रेष्ठ स्कूल स्कीम के तहत
द बेस्ट CBSE प्राइवेट रिसर्च स्कूल के अवार्ड से नवाजा गया है। इतने कम समय में इस विद्यालय ने जो ऊंचाइयों को छुआ है, निश्चित तौर पर एक बहुत ही सराहनीय है। हर साल कोचिंग के माध्यम से नीट में, IITs में और NDA, NTSC, STSC में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का चयन होता जा रहा है। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार।